पहली बार रूसी एयरबोर्न फोर्सेस को मिला घातक हथियार। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रशियन एयरबोर्न फोर्सेस को सौंपा गया टॉस 1A सिस्टम, बेहद घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ये वीडियो। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। भीषण बर्फबारी के बीच रशियन फोर्सेस की ट्रेनिंग का वीडियो आया है सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स। रूस की असॉल्ट ब्रिगेड ने कई टारगेट किए हिट, एम्बियंस अब करेगा राहुल। ये तस्वीरें देखिए अब आप, बैटल ग्राउंड में ट्रेनिंग के बाद बैटल ग्राउंड में भेजे जाएंगे सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई राहुल। रशियन डिफेंस ने जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए। जंग के बीच रूस ने किया एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट, ब्रेक करें बड़ी खबर। ये देखिए पूर्वी डोनबास में कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल का टेस्टिंग हुई है। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा। नेटो के घातक टैंकों पर कहर ढाएंगी कॉर्नेट मिसाइल्स। रूस की स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ ने जारी किया वीडियो। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर के साथ जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग का वीडियो है और ब्रेकिंग है जो अभी हमने चलाई है वो लीजिएगा की ग्राफिक्स के साथ, सीधे आइए। ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए और फिर ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स में आपको एक साथ दिखाऊंगा। बड़ी खबर मेरे सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये देखिए अब आप किस तरीके से, ये जो इसकी ट्रेनिंग का वीडियो, इसको ऐसे ही रखिए राहुल, आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए ये है ट्रेनिंग का वीडियो। रूस की पश्चिम की ताकतों से निपटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मानव रहित गाड़ियों की टेस्टिंग एंटी टैंक मिसाइल के साथ कर रहा है रशिया, ये इंफॉर्मेशन है। और दूसरी तरफ यहां पर ये देखिए ये रशिया सोल्जर्स की तैयारी चल रही है, उसका थोड़ा सा एम्बियंस आप रखिएगा। रूस ने पूर्वी डोनबास में कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल की टेस्टिंग की है। रूस की एंटी टैंक मिसाइल नेटो के घातक टैंक्स का काल साबित होगी। रूस की मिसाइल एब्राम्स और लेपर्ड टैंकों को खुद डिटेक्ट कर अटैक करेगी। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, सीधे मैं चलूंगा। जल सिंह मेरे साथ हैं आज इस शो में, बड़े दिनों के बाद मेरे साथ जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह सर, स्वागत है सर आपका, थैंक यू वेरी मच। सर ऐसा लग रहा है जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनका फोकस जो है वो पश्चिम देशों के हथियार जो है उनको पूरी तरह एग्जॉस्ट करने का है, और उन्होंने रशिया ने बहुत तेजी से इनोवेट करना शुरू कर दिया है। योर टेक साहब। निशांत जी जय हिंद। जय हिंद साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने शो में शामिल किया। माय ऑनर सर। जैसे जल शंकर प्रसाद भी बता रहे थे कि यह लड़ाई का एक पहलू है जो कि बढ़ता जा रहा है। रूस हमेशा अपने हथियारों की टेस्टिंग डेवलपमेंट करता रहता है। जो हथियार हमको दिखाए जा रहे हैं इन हथियारों से हमारा देश भी कुछ हद तक परिचित है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर्स स्मर्च पिनाका हमारे पास है, ये उसी सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और जो मिसाइल्स दिखाई जा रही है कॉर्ने, वो मिसाइल हमारे पास भी ट्रायल्स के लिए आई थी, लेकिन उनको एक क्रू रहित ऑटोनोमस व्हीकल में लगाकर टेस्ट करना एक नया आयाम है। लेकिन जैसा आपके विजुअल्स बता रहे हैं, ज्यादातर फोटोएं और ज्यादातर विजुअल उस टाइम की है जबकि बर्फ पड़ी हुई है। नहीं सर, अभी मौसम बदल रहा है। अभी जो लेटेस्ट विजुअल्स हैं सर वो बता रहे हैं कि वो टैंक से निपटने की तैयारी करें।